देखिए दोस्तों, CSE ID को लेकर कुछ कमेंट्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप अच्छे कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा, और मैं वीडियो बना भी रहा हूं। तो अगर आपका भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो में, और अगर आपका जो कमेंट है वो जायज़ होगा, सही होगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, दो कमेंट मैं ले रहा हूं बेसिकली CSE को लेकर हैं। पहला कमेंट हमें किया है सदीक अली शेख ने 2 घंटे पहले, ये लिखते हैं, सर CSE ID लेने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या, और बिना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के CSE ID नहीं मिल सकती। देखिए भाई, यहाँ बता दूँ, जितने भी देख रहे हैं जो CSE ID अप्लाई करना चाहते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, देखिए CSE जो ID होती है उसको लेने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर CSE ID लेने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने सेंटर पर भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट टांगना पड़ेगा बकायदा एक फ्रेम बना के, क्योंकि दोस्तों उससे ही पता चलता है कि आपने जो नज़दीकी पुलिस चौकी है उससे परमिशन ले रखी है, और आप ये काम कर रहे हैं ये पुलिस वालों को ही पता है, मतलब कोई गैरकानूनी काम आप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़र्ज है, आपको करना पड़ेगा, मतलब आपका काम है, आपको करना पड़ेगा CSE ID लेने के बाद। पर CSE ID लेने से पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, कहीं मैंने ऐसे केस सुने हैं, मेरे पास कॉल भी आए हैं बहुत सारे, कि कहीं कहीं क्या हो रखा है, ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर पहले पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाने को बोला जा रहा है, कहीं कहीं ऐसे एरिया भी हैं DM खुद बोल रहा है कि भैया पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाओ, उसके बाद आपकी CSE ID अप्रूव होगी, ठीक है। तो अगर DM बोल रहा है आपको, तो उस केस में आपको बनाना पड़ेगा, उसमें कोई दो बात है ही नहीं, ठीक है। वैसे नॉर्मली CSE ID मिलने के बाद ही आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाएं तो सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा जो कमेंट है जो यहाँ पर लिया है मैंने, ऋषभ चौहान का 2 घंटे पहले, ये लिखते हैं, सर मेरे डॉक्यूमेंट खो गए हैं, CSE एग्ज़ाम क्वालिफाई है, DM का कॉल आया था, अब वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। देखिए, आपका CSE का एग्ज़ाम पास है, इसका मतलब जो आपका TC का एग्ज़ाम है वो पास है। तो अगर आपके पास TC का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरा TC का सर्टिफिकेट हो गया है, तो आप दोबारा से उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली TC की वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड वापस कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन ID पासवर्ड भूल गए हो, सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेना, और उसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर आपका TC सर्टिफिकेट का नंबर चले जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करना, फिर आप उस TC सर्टिफिकेट नंबर से, अगर लॉगिन हो जाता तो ठीक है, नहीं तो जो TC की सपोर्ट टीम है, यहाँ पर हम पर आते हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये मेल ID है इनकी, ये वाली मेल, इस पर आपको सिंपली मेल करना है, उसमें लिखना है सर मेरा TC नंबर ये है, सर्टिफिकेट नंबर, और मैं अपना सर्टिफिकेट खो गया हूँ, मेरा खो दिया है कहीं पर, मैंने भूल गया हूँ, तो मुझे प्लीज़ दोबारा से प्रोवाइड करवाइए, और मैं अपने लॉगिन ID पासवर्ड भूल गया हूँ। ऐसा आप लिखेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके मेल पर ही आ जाएगा, या फिर आपको लॉगिन ID पासवर्ड दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट पा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं CSE रजिस्ट्रेशन स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म की। मान लो आपके लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस पर आना है, देखिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के पेज खोल लोगे, यहाँ पर CSE VLE करना, उसके बाद TC सर्टिफिकेट नंबर डालना, उसके मोबाइल नंबर डालना, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चालू होता है, मतलब कि द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है उसी मोबाइल नंबर से, उसी ईमेल ID से, तो फिर आप समझ जाना कि जो आपकी पहले की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई है, वो डिलीट हो गई है, ठीक है। तो आप क्या करना है, एक नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना, उसके बाद एक नया रेफरेंस नंबर मिलेगा, नया एक पेज मिलेगा, उसको निकाल कर दे देना DM को, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर दिखाता है कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल ID या फिर TC का सर्टिफिकेट नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है, पहले से आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो बस, कि आप जो इनकी मेल ID है सिंपली ये helpdesk@csc.gov.in, इस पर जाकर इनको मेल कर सकते हो कि सर मैंने अप्लाई किया था और मुझसे रेफरेंस नंबर कहीं पर खो गया है, मेरा CSE नंबर ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा ईमेल ID है, सब कुछ लिख के भेज देना, उसके बाद इनका रिप्लाई आ जाएगा और फिर आपको रेफरेंस नंबर है वो मिल जाएगा, नहीं तो वो बता देंगे कि आपको क्या करना है, खुद ही वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपसे, ठीक है दोस्तों। आप कॉन्टैक्ट कर लेना सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये काम कर सकते हो, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ बात है तो
प्लीज़ कमेंट करना, अच्छे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा मैं। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।